एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, अरे सेम से नाम है, हरी एंड हैरी, ठीक है। तो हरी और हैरी के बदले में ए और बी लेता हूँ, ठीक है। आप एग्ज़ाम में हरी एंड हैरी लेना, चलो हरी एंड हैरी ले लेते हैं। तो हरी इज़ टू हैरी इज़ गिवन टू यू हाउ मच, इट इज़ गिवन टू यू 5:7, 5:7। तो मैं पहले लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है। तो बच्चों ने निकाल लिया है आंसर, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो हरी की एज हो जाएगी, हरी विल बी 5x, परसेंटेज आ गई, एंड हैरी विल बी 7x, ठीक है। यस यस, इट्स वेरी इजी। फिर क्या पूछा हुआ है आपसे? फिर पूछा है आपसे 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स ना, तो मैं लिखता हूँ आफ्टर 4 ईयर्स। सो आफ्टर 4 ईयर्स पहले एज निकाल लेता हूँ। आफ्टर 4 ईयर्स हरी, हरी विल गोइंग टू बी 5x+4, एंड हैरी विल गोइंग टू बी 7x+4। अब क्या दिया है ना, वट कंडीशन इज गिवन टू मी आफ्टर 4 ईयर्स? आफ्टर 4 ईयर्स वाली कंडीशन दी है दैट नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:4। 3:4 का मतलब है कि 5x+4 अपॉन 7x+4 इज गिवन टू यू नाउ 3:4, मतलब 3/4। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट एक्स। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? इफ़ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, कैलकुलेशन चेक करना कि मैं कुछ गलती ना कर दूँ। 5 4 20x, ओके। मुझे बताना जहाँ पर मैं गलती करूँगा। 5 4 20x+16 इज इक्वल टू 7 3 21x+12, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो यहाँ से आ जाएगा x, 21x-20x विल गोइंग टू गिव यू x, और 16 - 12 4, x आ गया 4, ठीक है। देयरफॉर जो इनकी प्रेजेंटेज हो जाएगी, हरी विल गोइंग टू बी 5 × 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स, और हैरी 7x है ना, ये वैल्यूज हमें निकालनी है। सो 7 × 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स, ओके। तो कितना आसान सवाल है, वेरी इजी, ओके। प्रेजेंटेजेस आ गई, दैट्स इट।